चढ़दी कला। फास्ट न्यूज़। सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, आओ एक नजर मारदे हां हुण तक दीआं खास खबरां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड समिट तो वक्त आस्ट्रेलिया के नवे चुने गए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ नाल मुलाकात की, आपसी हितों के मुद्दों उत्ते चर्चा की। मोदी और अल्बनीज़ क्वाड समिट में शामिल होने लिए जापान पहुंचे ने। मोदी ने अल्बनीज़ नूं उन्हां दे देश की चोण जित अते प्रधानमंत्री बनन उत्ते वधाई दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोहां नेतावां ने बैठक में भारत आस्ट्रेलिया संयुक्त रणनीतिक साझेदारी के तहत साढ़े बहुपक्षी दुवले सहयोग की समीक्षा की है। इस तों पहलां दोहां नेतावां ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन अते जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा नाल क्वाड समिट में भी शिरकत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 150 इलैक्ट्रिक बसों को हरी झंडी देकर रवाना किया। केजरीवाल ने उन्होंने बसों में एक की सवारी भी की। मुख्यमंत्री ने इंद्रप्रस्थ डिपू तो बसों को हरी झंडी विखाई और रायघाट बस डिपू पहुंचने लिए उन्होंने एक विच सवार हो गए। पत्रकारों नाल गलबात करदे उन्होंने जनता को अपील की कि तुहाडियां बसों ने कृपा करके उन्हां दा ध्यान रखो, उन्हां नूं गंदा ना करो। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अगले 10 सालों में इलैक्ट्रिक बसा प्राप्त करने 1862 करोड़ रुपए अलाट कर चुकी है, जबकि केंद्र ने इसलिए 150 करोड़ रुपए दिए ने। केजरीवाल ने कहा कि एक साल में तकरीबन 2000 इलैक्ट्रिक बसा लिया का टीचा मिथ्या गया। राजस्थान सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद को उत्साहित करने लिए राजस्थान इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने अजिहे वाहनों की खरीद उत्ते प्रस्तावित एक मुश्त योगदान स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की मुआवजा देने 40 करोड़ रुपए के वाधू बजट में उपबंध को मंजूरी दी है। सरकारी बुलारे ने दसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस नीति को मंजूरी दे दी है। इस लागू होने सूबे में डीजल पेट्रोल के वाहनों होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। वर्णनयोग है कि मुख्यमंत्री ने साल 2019-20 के बजट में इलैक्ट्रिक व्हीकल नीति लिया का ऐलान किया। पंजाब भ्रष्टाचार मुक्त सूबा बनाने की अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहरांदिया मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सेहत मंत्री विजय सिंगला अपने विभाग में 1% कमीशन मंगण के दोषों हेठ बर्खास्त कर दिता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वड्डी खोरी को कतई बर्दाश्त न करने के राह उत्ते चलती रहेगी और किसी को भी चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो उसनू अजिहियां बेनियमें की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने डॉक्टर सिंगला अपने कैबिनेट विचों बर्खास्त कर दिता है, पुलिस को केस दर्ज करने लिए कह दिता है। उन्होंने कहा कि साड़ी सरकार का इरादा ते नीयत साफ है कि भ्रष्ट कार्रवाइया की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो भी भ्रष्टाचार में शामिल होगा उसनू गंभीर नतीजे भुगतने पैणगे। भ्रष्टाचार के दोष में गिरफ्तार किए गए साबका कैबिनेट मंत्री आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर विजय सिंगला पुलिस वालों मोहाली की अदालत में पेश किया गया, जिथे अदालत ने इस मामले की सुनवाई करद सिंगला 27 मई तक पुलिस रिमांड उत्ते भेज दिता है। आम आदमी पार्टी के मुखी अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों अपने सेहत मंत्री विजय सिंगला भ्रष्टाचार के एक मामले में बर्खास्त करने की शलाघा की है। उन्होंने भगवंत मान के इस कदम उत्ते माण जताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार राष्ट्र नाल धोखा है, इसनू उन्हां दी पार्टी इजाजत नहीं दिंदी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदे केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक अजिही पार्टी है जो ईमानदारी का पालन करती है, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुल्तानपुर लोधी में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित वकारी प्रोजेक्ट पिंड बाबे नानक दा लई ग्लोबल टेंडर मंगने लई सैर सपाटा ते सभ्याचारक मामलों बारे विभाग को निर्देश दिए ने। अपने सरकारी निवास स्थान उत्ते इस प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लैण लई हुई मीटिंग की प्रधानगी करदिआं भगवंत मान ने विभाग को कहा कि वह 500 करोड़ रुपए की लागत नाल 40 एकड़ रकबे में बनने वाले इस शाना मते प्रोजेक्ट के निर्माण लई विश्व प्रसिद्ध आर्कीटैक्टां दीआं सेवावां लैण। विचार चर्चा में हिस्सा लेंदे कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट लई तैयार की रूपरेखा नूं पहलां ही सिद्धांतक प्रवानगी दी है। इस मौके उत्ते मुख्यमंत्री ने आनंदपुर साहिब फाउंडेशन की एक होर मीटिंग की प्रधानगी करदिआं सैर सपाटा विभाग नूं श्री आनंदपुर साहिब विखे बन जा रही भाई जैता जी यादगार नूं दसंबर 2022 तक हर हीले मुकम्मल करने के निर्देश दिए ने। हुण छेती ही पंजाब दीआं सरकारी बसां दिल्ली हवाई अड्डे तक जा सकणगीआं। इस संबंधी पंजाब सरकार वल्लों जिला मैनेजरां नूं पत्र लिख के वोल्वो बसां भेजण लई हुकम जारी कर दित्ते गए ने। इस संबंधी पंजाब सरकार पनवस विभाग वल्लों डिपो नूं बकायदा नोटिफिकेशन राहीं जारी दिशा निर्देशां दी पालना करन लई कहा गया तां जो किसे यात्री नूं कोई भी दिक्कत ना आवे। हुकमां विच पंजाब दे वख-वख शहरां तों वोल्वो बसां छेती ही शुरू कीते जाण बारे कहा गया,
जिन्हां शहरां तों दिल्ली हवाई अड्डे लई वोल्वो बसां भेजियां जाणगियां उन्हां विच चंडीगढ़, रूपनगर, जलंधर, होशियारपुर, लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब अते SBS नगर शामिल ने। दस दिए कि भगवंत मान सरकार वल्लों इस मामले संबंधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोल जोर शोर नाल मुद्दा चुकया गया सी। श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी की सरकार वल्लों पंजाब यूनिवर्सिटी नूं केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाउण दे मामले विच पंजाब दे हितां दी राखी करन विच नाकाम रहण अते केंद्र सरकार कोल सही तरीके मामला चुकण विच नाकाम रहण दी निखेधी कीती है। एक बयान विच श्रोमणी अकाली दल बादल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाबियों दे माण सन्मान दा प्रतीक है ते पंजाबी नहीं चाहुंदे कि इस दे विलखण चरित्र नाल कोई छेड़छाड़ कीती जावे, पर आम आदमी पार्टी दी सरकार ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट विच सही तरीके सूबे दे स्टैंड दी पैरवाई नहीं कीती। उन्हें कहा कि इस कारण पंजाब दे केस दा नुकसान होया। उन्हें भी कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं इस मामले दा तुरंत नोटिस लेना चाहिदा है अते ना सिर्फ सूबे दा पक्ष केंद्र सरकार कोल रखना चाहिदा है बल्कि यह अदालत विच भी रखना चाहिदा है। जांदे जांदे नजर मारदे आने वाले कल दे मौसम दे हाल उत्ते। चढ़ती कला फास्ट न्यूज़।